अभी लॉकडाउन से हम लोग गुजरे हैं। एक आशिके रसूल है जो मदीना शरीफ जाना चाहता था, लेकिन जब लॉकडाउन कोविड-19 पे जब मदीना शरीफ ना जा सका तो उन्होंने एक शेर लिखा कि हेरा के गार में मकड़ी का पहरा देख लेते हैं, हेरा के गार में मकड़ी का पहरा देख लेते हैं, नबी के आशिकों के सर पे सेहरा देख लेते हैं, कि हेरा के गार में मकड़ी का पहरा देख लेते हैं, नबी के आशिकों के सर पे सेहरा देख लेते हैं, और लगी है रोक मक्का और मदीना आने जाने पर, चलो ऐसा करें फिर मां का चेहरा देख लेते हैं, चलो ऐसा करें तकबीर। अरे यार अपने हाथों को उठाओ, वापस से बोल नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालदैन, जामिया अशरफिया रेहानुल उलूम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। चलो ऐसा करें फिर मां का चेहरा देख लेते हैं। नदीम भाई को देखने के बाद एक शेर याद आ गया कि चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। वो हर रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपने मां के पांव को दबा के सोते हैं, जो अपने मां के पांव को दबा के सोते हैं। तमाम तर माओ के वफादार बेटे बैठे हुए हैं। एक शेर को नोट कर लीजिए कि जो लोग गरीबों के गमखार नहीं होते, खुदा की कसम जो शेर में लफ्ज माँ है उस लफ्ज का भी हम एहसान चुका नहीं सकते, तो माँ का एहसान कैसे चुकाएंगे। एक शेर सुन लीजिए चार मिसरे, कि जो लोग गरीबों के गमखार नहीं होते वो लोग भी ताज पहन के सरदार नहीं होते, और जो माँ के कदम को चूमे और बाप को ठुकरा दे वो लोग भी जन्नत के हकदार नहीं होते, वो लोग भी जन्नत के हकदार नहीं होते, वो लोग भी जन्नत के हकदार नहीं होते। इसलिए कि इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ, मेरे करीम तो इतना नवाज दे मुझको कि मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ। मोहब्बतों के साथ अब इस्तकबाल कीजिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, सर जमीने मिल की शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरते अजमत भागलपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, अली के घर से अमन का जुनून मिलता है, और हम उस अली को मानते हैं, सुनो लोगों, जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है, कि जमीन के ऊपर रह करके उलमाए इकराम की तवज्जो चाहता हूं, कि जमीन के ऊपर रह करके हुकूमत करना ये कोई कमाल की बात नहीं है। अरे जो जमीन के नीचे रह करके पूरे मुल्क के हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया उन्हें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती और पहचानती है। उस ख्वाजा गरीब नवाज के हम और आप दीवाने हैं। सुने मोहब्बतों के साथ, कि है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, कि है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, अगर आप लोगों के सीने में अगर दिल है और उस दिल में अगर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है तो मुझे उम्मीद है कि आप मचल जाएंगे। कि है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बट चुके होते, और जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उम्र के दौर में होते तो कट चुके होते, उम्र के दौर में होते तो कट चुके होते, उम्र के दौर में होते तो कट चुके होते, उम्र के दौर में होते तो कट चुके होते। मैं कह रहा था कि नबी के लहजे में हायद है, एक शेर हजरत अली के हवाले से मोहब्बतें चाहता हूँ, कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में की दुआएं लेते हुए, तभी तो मुराब कहते हैं कि नबी जो बरसरे मिंबर दिखाई देते हैं तो उनके हाथों पे हैदर दिखाई देते हैं, और खड़े हैं शान से दरिया में हजरते अब्बास, अकेले हो के भी लश्कर दिखाई देते हैं, अकेले हो के भी लश्कर दिखाई देते हैं। सुने कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में अस्कर भी बात करते हैं, और शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते, मियां ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं, मियां ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं। तो अब जरा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर,
भाई ऐसा लगे कि मैं मिल्की की सरजमीन पे शहर मधुपुर से उठ करके आया हूँ, किसी को सुनाने के लिए आया हूँ। ऐसा ना लगे कि मुझको सिर्फ खंबे को मैं सुनाने के लिए आया हूँ, ऐसा लगे कि आप लोगों को सुनाने के लिए आया हूँ। जरा बेदारी पैदा कीजिए ताकि मुझको अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। जरा मोहब्बत पेश कीजिए नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत पेश कीजिए इसलिए कि ये जमीन क्या है आसमां बोले, उनकी तारीफ दो जहां बोले, और सर कटा देंगे उनकी अजमत पर मिल्की के हर एक नौजवान बोले। तो मुझे लगना चाहिए कि मैं मिल्की पे बोल रहा हूँ। नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से नारा का जवाब दीजिए ताकि लगे कि यहाँ पे आशिके रसूल रहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।